बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इतना ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता मैंने मिनटों में कैसे बनाया है, ये जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने चार उबले हुए आलू लिए, इनको हमें ग्रेट कर लेना। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक टीस्पून नमक, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच भुना और कूटा जीरा, एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, चटपटे टेस्ट के लिए एक टेबल स्पून चाट मसाला, तीन चार कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर के लिए पिज्जा सीजनिंग डालेंगे। आपके पास ओरेगानो हो या जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। ये हमने 200 ग्राम चावल लिए, इनको 2 घंटे के लिए अच्छे से धो के और भिगो दिया था। इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, एकदम बारीक और स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। और ये हमने चावल का एकदम चिकना और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया। चावल को भीगने में जो पानी था ना, उसी से हमने पीसा, एक्स्ट्रा का पानी नहीं डाला है। आलू के मिश्रण में से ऐड करेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा होता है ना, उसे पानी में भिगो के भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो ना, तो चावल का आटा और मिला लें। ये देखिए, आज हम इसे बिना हाथ गंदा किए बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कॉर्न लिया है, पॉलीथीन का कॉर्न है, डिस्पोजल कॉर्न होता है। 100 रुपये के 100 कॉर्न मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो, आप दूध की थैली या कोई भी पॉलीथीन की थैली भी ले सकते हैं। इसको एक कप के अंदर इस तरीके से डालेंगे और बैटर डालेंगे। इसके मुंह को रबड़ से बांध देते हैं ताकि बैटर निकले नहीं। आप चाहें तो डोरी होती है ना, उससे भी बांध सकते हैं। और इस तरीके से हमने 2 कॉर्न को बना के तैयार कर लिया है। कैची की सहायता से इतना काटेंगे। आपको लंबे, छोटे, पतले जितने भी चाहिए ना, चौड़े चाहिए, उस हिसाब से काटें। देखिए, ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा है। थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे। बैटर थोड़ी देर बाद ऊपर आया, हमारा तेल परफेक्ट गर्म है, निकाल लेते हैं। अब हम कॉर्न को इस तरीके से पकड़ेंगे और छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। कुछ देर के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब हम इसे उलट पलट के फ्राई कर लेते हैं। एक बार इसका शेप फिक्स हो जाए ना, उसके बाद आप इसको उलट पलट के फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे और कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और ऐसी रेसिपीज और चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो सोगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये लंबे टाइम तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये कुरकुरे बने रहेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप इसकी आवाज़ नोट करें। और ये हमने सारे स्नैक्स को तल लिया है। थोड़ा सा काश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे और चाट मसाला, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और आप इसकी आवाज़ नोट करें। और ये एकदम टेस्टी और क्रिस्पी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए ये नाश्ता तैयार है। ये देखिए, आप इसे टमाटर सॉस मायोनीज के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और कई दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होता। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।